वक्त बचाओ, वोट बनाओ, वक्त बचाओ, वोट बनाओ, कंसल्टेटल मुलाजिम को, गवर्नमेंट सर्विस रूल्स को, गवर्नमेंट सर्विस रूल्स को लागू करो, लागू करो, प्रीवियस सर्विस को बहाल करो, बहाल करो, प्रीवियस सर्विस को बहाल करो, बहाल करो, वही वोट, वही वोट, वही वोट, वक्त बचाओ, वोट बनाओ, वक्त बचाओ, वोट बनाओ, सेवंथ डे एक्सटेंशन को लागू करो, लागू करो, सेवंथ डे एक्सटेंशन को लागू करो, लागू करो, ईपीसी मिलेट्स को लागू करो, वही वोट, सेवंथ डे एक्सटेंशन को लागू करो, लागू करो, सेवंथ डे एक्सटेंशन को लागू करो, लागू करो, वक्त बचाओ, वोट बनाओ, वक्त बचाओ, वोट बनाओ, ईपीसी मिलेट्स को अप्रूव करो, ईपीसी मिलेट्स को सारे मुलाजिम जमा हुए हैं, ये वक्फ बोर्ड से वाबस्ता है। इसमें हमारे पास जो टीचर्स हजरात भी हैं और डिफरेंट दरगाहों ज़ियारतों पे जो मुलाजिम काम करें वो सभी यहाँ पे। हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे साथ वक्तन फोकता गवर्नमेंट हुकाम ने हमारे साथ जो वादा खिलाफी की है, उस वादा खिलाफ के खिलाफ आज हम यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम आला हुकाम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ जो आज तक आपने वादे किए थे, लेकिन वो वादे सारे शराब साबित हुए। हमारे साथ जो भी वादे किए, चाहे वो 2004 के वादे हुए हो या 2008 में हो, या किसी भी वक्त जो हमारे साथ वादे किए गए, वो वादे कभी पूरे नहीं किए गए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ वादे थे, आज आप देखिए इस गर्म बाजारी में हम वक्फ मुलाजमीन का जीना बसर मुश्किल हो चुका, महल हो चुका है। हमें थोड़े कम तलीर तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन हमारी जो उजरत है वो उस तरह की नहीं है कि हम इस गर्म बाजारी के दौर में अपने घर का सामान भी खरीद सके। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे घरों में वो अब चिराग जलाने की बसियत नहीं रह चुकी। मैं आपकी वसादत से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी गवर्नर से, चीफ सेक्रेटरी से, इवन के हम होम मिनिस्टर से भी यही बात बावर करना चाहते हैं कि आप हमारे मसाइल जो है, जो काफी अरसे से इल्तिमा में पड़े हैं, उन्हें आप जल्द से जल्द हल कीजिए। जिसमें खासकर हमारा सेवंथ पे पेंशन है, हमारी जो ग्रेड्स है उन ग्रेड्स में वो ग्रेड स्ट्रक्चर ही नहीं है जो एक मुलाजिम का होना चाहिए। हम तो नाम के मुलाजिम हैं, लेकिन जब हम पे की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो खोखले साबित हो रहे हैं। तो आपकी वसात से हम यही चाहते हैं कि हमारे जो कंसल्टेंट मुलाजिम पिछले कई बरसों से पड़े हुए हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें 2500-3000 रुपए पे उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन जबकि उनका हक बन रहा है कि उन्हें भी रेगुलर किया जाए। हम अपने एलजी इंतजामिया से यही गुजारिश करें, चीफ सेक्रेटरी साहब से यही गुजारिश करें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू से भी यही गुजारिश करें कि अगर हमें इस बोर्ड में अपने तन से काम करें, हमें भी वही स्टार्ट चाहिए जो गवर्नमेंट मुलाजिम को मिल रहा है, हमें भी वही कमीशन चाहिए जो गवर्नमेंट मुलाजिम को मिल रहे हैं। हमारे साथ जो भी वादे किए हैं वो कभी पूरे नहीं किए गए। मैं आपसे, आपकी वसादत से, अपने इस फोरम की वसादत से, अपने इस एम्प्लॉयज यूनियन की वसादत से, एलजी इंतजाम से यही बात बावर करना चाहता हूं कि हमारे मसले जो है सेवंथ पे पेंशन है, रेगुलर ऑफ कंसल्टेंट एम्प्लॉयज है, हमारी जो डीपीसीज होती है वो भी इल्तिमा में पड़ रही है, और जो बोर्ड है वो अभी तक तश्कील नहीं दिया गया। अगर रिओर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने लगा दी है तो रिओर्गेनाइजेशन के तहत हमारा बोर्ड भी बनना चाहिए, ताकि हमारे जो डेवलपमेंटल वर्क है वो पेंडिंग है, हमारे ज़ियारतगाहों में जो कुछ काम रुके पड़े हैं वो भी हल होने चाहिए, और हमारे स्कूलों में जो मसले हैं वो भी होने चाहिए। आपसे यही गुजारिश है कि हमारा ये मसला जो है आप आला ईमान तक ये बात पहुंचे कि ये वक्त मुलाजमीन के हल तलब मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए, न कि जो हमारे साथ 2004 में जो वादा किया गया फिर वो आखिरकार शराब साबित हुआ। उस 2004 में हमें यह कहा गया कि आपको हम गवर्नमेंट स्टेट्स देंगे, लेकिन आज तक वो गवर्नमेंट स्टेट्स हमें मिला नहीं। तो आपकी वजह से यही बात कहना चाहते हैं कि हमें वो गवर्नमेंट स्टेट्स मिले, हमारे जो कमीशन है वो हम पर लागू किया जाए। अगर गवर्नमेंट का यही नारा है वन नेशन वन आइडेंटिटी वन वोट, तो हमारे साथ ये नाइन साथी क्यों? क्या हम इस समाज के, इस हुकूमत के, क्या हम यहाँ के रहने वाले नहीं है? हमारे साथ भी इंसाफ कीजिए, ताकि हमारे घरों में भी कुछ चूल्हा चिक्की चल सके। बाकी वसलाम।